हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दिप्रशिता शो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लॉथ डाइपर और डिस्पोजेबल डाइपर्स के बारे में। कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं दोनों के, ये इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कॉमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो पहले बात करते हैं क्लॉथ डाइपर की। क्लॉथ डाइपर जो है एक नेचुरल मटेरियल से बना होता है, मतलब कपड़े से बना होता है। मैक्सिमम टाइम ये कॉटन से ही बना होता है। कॉटन जो है हर बच्चे की स्किन को बहुत अच्छे से सूट हो जाता है, या फिर ऐसे फैब्रिक से बना होता है जो जो बच्चों की स्किन के लिए अच्छा होता है। बहुत पुराने टाइम से ये कपड़े का डाइपर ही चला आ रहा है, जब तक डिस्पोजेबल डाइपर्स नहीं भी थे तब से कपड़े का डाइपर ही हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि प्रॉपर कपड़े से ही बना होता है, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है, तो क्लॉथ डाइपर हम लोग यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं डिस्पोजेबल डाइपर्स की। और डिस्पोजेबल डाइपर्स जो है इन्वेंट हुए थे 1948 में। 1948 के बाद से हम लोग डिस्पोजेबल डाइपर्स भी यूज़ करते आ रहे हैं, क्लॉथ डाइपर के साथ साथ, मतलब कपड़े के डाइपर के साथ साथ। इसकी अगर बात करें तो ये कपड़े से नहीं बने होते हैं, क्योंकि इनका मटेरियल ऐसा होता है जब आप यूज़ करते हो तो आप इसको फेंक सकते हो, आपको इसको वॉश नहीं करना होता, बस ये वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं, मतलब एक ही बार आपको यूज़ करने होते हैं और फिर आप इसको फेंक सकते हो। जबकि कपड़े का जो डाइपर है उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, मतलब बच्चे ने अगर वो यूज़ किया है उसके बाद में आप उसको वॉश कर सकते हो, आप दोबारा से उसको इस्तेमाल कर सकते हो, बट डिस्पोजेबल डाइपर्स के साथ में ऐसा नहीं है। अब दोनों के कंफर्ट लेवल की बात करते हैं कि कंफर्ट लेवल में कौन से वाला ज़्यादा बेटर है, क्लॉथ डाइपर या डिस्पोजेबल डाइपर। तो कंफर्ट लेवल के हिसाब से कपड़े का डाइपर ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि जो डिस्पोजेबल डाइपर है जिसको आप एक ही बार यूज़ करके फेंक देते हो, उसमें जो है वो इस ऐसे मटेरियल का बना होता है कि बच्चा जब उसको पहनता है तो उतने पार्ट में जितने में डाइपर रहता है हवा पास नहीं हो पाती, हवा अच्छे से अंदर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से अगर आप 24 आवर्स बच्चे को डिस्पोजेबल डाइपर्स में रख रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की चांसेस होते हैं, उसको रैशेज हो सकते हैं, उसको प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं अगर आप डिस्पोजेबल डाइपर्स भी यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट एक डाइपर से दूसरे डाइपर में जब आप जा रहे हो, मतलब फर्स्ट डाइपर को आप चेंज करके सेकेंड डाइपर बच्चे को लगा रहे हो, तो कुछ टाइम का गैप उसमें ज़रूर रहना चाहिए, बच्चे को एयर पास होनी चाहिए उस एरिया में, हवा पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप डाइपर लगा देते हो तो हवा पास नहीं होती है, जो कि पसीना भी आ जाएगा बच्चे को एलर्जी हो सकती है, बच्चे को दाने हो सकते हैं। यही अगर हम कपड़े के डाइपर की बात करते हैं तो कपड़े के डाइपर में हवा अच्छे से पास हो जाती है, ऐसा बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो कंफर्ट लेवल के हिसाब से कपड़े का डाइपर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें एयर पास हो सकती है, उसमें हवा पास हो सकती है, बच्चे को ऐसे पसीना वसीना का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता कपड़े के डाइपर में, बट डिस्पोजेबल डाइपर्स में ऐसा होता है। और डिस्पोजेबल डाइपर्स में हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है अंदर, क्योंकि हवा ही पास नहीं होगी, एयर का कॉन्टैक्ट ही नहीं है बिल्कुल, डाइपर आपने लगाया हुआ, और कुछ पेरेंट 24 आवर्स भी लगाते हैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसीना, बहुत ज़्यादा हीट अंदर हो जाती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। जबकि कपड़े के डाइपर के साथ में ऐसा नहीं होता, कपड़े का डाइपर आप जब लगाते हो तो वो नॉर्मल कपड़े के नापी जैसा ही होता है, तो उसमें ऐसा हीट जनरेट का या ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, कि कौन से वाला ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। हालांकि क्लॉथ डाइपर और डिस्पोजेबल डाइपर्स डे बाय डे और बेटर और बेटर और बेटर होते जा रहे हैं, बट फिर भी जो डिस्पोजेबल डाइपर है वो एब्जॉर्प्शन में, मतलब जो भी यूरिन पास करता है बच्चा, उसके एब्जॉर्ब करने में डिस्पोजेबल डाइपर ज़्यादा बेटर होता है कपड़े के डाइपर के मुकाबले। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन के केस में डिस्पोजेबल डाइपर्स को ज़्यादा बेटर माना जाता है। फिर बात करते हैं बच्चे की हेल्थ के ऊपर दोनों का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब बच्चे की हेल्थ के लिए कौन सा वाला ज़्यादा बेटर है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तो एयर ही पास नहीं होती जब आप डिस्पोजेबल डाइपर लगाते हो, बच्चे को पसीना बहुत आता है, बच्चे को एलर्जी हो सकती है, तो उस केस में भी डिस्पोजेबल डाइपर जो है वो ज़्यादा बेटर नहीं होते कंपेरिजन टू क्लॉथ डाइपर। क्लॉथ डाइपर में क्योंकि हवा वगैरह पास हो सकती है तो बच्चे को स्किन प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। फिर जो है डिस्पोजेबल डाइपर्स बहुत ज़्यादा केमिकल से बने होते हैं, कुछ प्लास्टिक टाइप मटेरियल भी इसमें यूज़ होता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे की स्किन पे लग के बच्चे को प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो हेल्थ के हिसाब से भी देखें तो क्लॉथ डाइपर ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि कपड़े से बना होता है, नेचुरल मटेरियल होता है,
ज़्यादातर टाइम कपड़े से ही कॉटन से बना होता है बेसिकली, या ऐसा मटेरियल होता है जो बच्चे की स्किन को अच्छे से सूट हो जाए। तो अगर बच्चे की हेल्थ के हिसाब से बात करें तो हालांकि मैंने आपको बताया कि डिस्पोजेबल डायपर हो या क्लॉथ डायपर हो, हाँ डे बाय डे और बेटर होते जा रहे हैं। और बट फिर भी बात करें तो डिस्पोजेबल डायपर्स में केमिकल्स वगैरह या जो भी मटेरियल यूज़ होता है वो बच्चे की स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना कपड़े का डायपर रहता है। फिर बात करते हैं कि कन्वीनियंस के हिसाब से कौन सा अच्छा है, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये यूज़ करना होता है बेसिकली। तो कन्वीनियंस की बात करें तो जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो उस हिसाब से क्लॉथ डायपर ज़्यादा बेटर नहीं होता, उस हिसाब से डिस्पोजेबल डायपर ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप उसको एक ही बार यूज़ करके उसको फेंक सकते हो, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इजीली कहीं पे भी वो अवेलेबल हो जाएगा। बट क्लॉथ डायपर के साथ में ऐसा नहीं है। कपड़े का डायपर जब आप बच्चे को लगा के जाते हो, अगर वो एक बार ही गंदा हो गया और आपको चेंज करना है, तो क्लॉथ डायपर सपोज़ आप साथ में ले गए और आपने चेंज कर लिया, एक तो वो गंदा डायपर आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा क्योंकि इमीडिएट आप कहीं वॉश नहीं कर सकते, क्लॉथ डायपर को आप फेंक नहीं सकते, तो वो आपको कैरी करना पड़ेगा। फिर अगर आप 3-4 दिन के लिए जा रहे हो कहीं बाहर, तो वो वॉश वगैरह का भी आपको प्रॉब्लम आएगा। तो उस केस में थोड़ा सा डिस्पोजेबल डायपर ज़्यादा बेटर रहते हैं कि आप कहीं से भी उसको परचेज़ कर सकते हो, इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। जब आप बच्चे को यूज़ करते हो तो जब आपको सेकेंड डायपर लगाना है तो आप उसको फेंक सकते हो, उसको आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर कॉस्ट के हिसाब से बात करें, क्योंकि बच्चे जो है डायपर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक लगाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो 1 साल में डायपर छोड़ देते हैं, बट कुछ बच्चों को 2 से 2.5 साल तक भी डायपर यूज़ करना होता है, तो कॉस्ट की भी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा देखना होता है कि क्योंकि डायपर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो चाहे डिस्पोजेबल हो चाहे क्लॉथ डायपर हो। क्लॉथ डायपर हालांकि आप रीयूज़ कर सकते हो, बट नंबर ऑफ टाइम्स तो यूज़ होते ही है। अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की, मतलब डायपर्स में जितना भी कॉस्ट लगता है वो भी पेरेंट्स को देखना होता है, क्योंकि डायपर्स बच्चे को बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करने होते हैं। कुछ बच्चे 1-1 साल में डायपर्स छोड़ देते हैं, बट कुछ बच्चों के साथ 2-2.5-3 साल तक भी ये केस चलता है, तो पेरेंट्स को ये भी थोड़ा सा देखना होता है कि वो क्लॉथ डायपर के लिए जाना चाहते हैं कि डिस्पोजेबल के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि डिस्पोजेबल में आपको परचेस करना है और फिर आप एक ही बार यूज़ करोगे और उसको फेंकना होता है, वो रीयूज़ नहीं हो सकता बेसिकली, तो उसमें कॉस्ट आई थिंक थोड़ा ज़्यादा लगता है। क्लॉथ डायपर जब आप एक बार परचेज़ कर लेते हो तो वो बार बार यूज़ हो सकता है, हालांकि उसको भी वॉश करने में आपका डिटर्जेंट लगता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी लगता है, आपका वाटर लगता है, पर फिर भी इन कंपैरिजन टू डिस्पोजेबल डायपर्स क्लॉथ डायपर्स आप में कॉस्ट थोड़ा सा आपका कम लगता है। स्टोरेज का भी देखा जाए तो जब आप डिस्पोजेबल डायपर्स लेते हो तो आपको एक थोड़ा बड़ा पैक लेना होता है, जब बच्चा डेली बेसिस पर डायपर्स यूज़ कर रहा है तो आपको एक अच्छा बड़ा पैक लेना पड़ता है, तो स्टोरेज का भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। क्लॉथ डायपर में हालांकि आप 4 से 5 या 6 डायपर्स भी ले लेते हो, या जिस हिसाब से भी आपके बच्चे को रिक्वायरमेंट है, बट उतने डायपर वो नहीं लेने पड़ते, तो स्टोरेज के हिसाब से भी वो अच्छे चल जाते हैं। मतलब आपको ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए होता कपड़े के डायपर को स्टोर करने के लिए, डिस्पोजेबल डायपर्स को स्टोर करने के लिए आपको एरिया ही बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो कॉस्ट की हमने बात कर ली, डिस्पोजेबल डायपर्स में थोड़ा ज़्यादा लगता है आई थिंक, और क्लॉथ डायपर हालांकि वो भी आपको टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ते हैं, बट फिर भी वो बार बार रीयूज हो सकते हैं, तो उसमें कॉस्ट आपका थोड़ा कम लगता है। और स्टोरेज का भी, स्टोरेज में ये थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज स्पेस लेते हैं जो डिस्पोजेबल वाले हैं, और क्लॉथ वाले थोड़ा कम स्टोरेज स्पेस लेते हैं, क्योंकि आपको बहुत कम परचेज करने होते हैं और बार बार आप उसी को यूज़ कर सकते हो। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एनवायरनमेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे आसपास इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब हम डायपर्स यूज़ कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट पे इसका बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ता है जब आप डिस्पोजेबल डायपर्स यूज़ करते हो। डिस्पोजेबल डायपर्स यूज़ करने के लिए बेसिकली पेड़ों को भी काटना पड़ता है, प्लास्टिक जो है प्रोड्यूस करना पड़ता है, केमिकल्स बहुत सारे प्रोड्यूस करने पड़ते हैं क्योंकि उसमें एब्जॉर्बेंस के लिए केमिकल्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो एनवायरनमेंट पे उसका बिल्कुल भी अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता। बेटर है कि क्लॉथ डायपर एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, एक ही बारी परचेज करने के बाद काफ़ी टाइम तक वो आपका चल जाता है। तो ये हमने बात कर ली बेनिफिट्स की दोनों के ही, कि क्लॉथ डायपर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और आपके डिस्पोजेबल डायपर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा डायपर यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि कई बार मॉम्स वर्किंग होती हैं तो क्लॉथ डायपर नहीं यूज़ कर पाते हैं क्योंकि उसको बार बार वॉश करना होता है, तो वो मॉम्स डिस्पोजेबल के लिए जाते हैं। अगर जो मॉम्स घर में हैं वो थोड़ा क्लॉथ डायपर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर कर पाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा देख पाते हैं, क्योंकि वॉशिंग वगैरह करना भी और हर चीज़ करना ये मॉम को ही देखना होता है।
फिर कई बार बच्चे की स्किन पे भी डिपेंड करता है। कुछ बच्चों को क्लॉथ डाइपर थोड़े बेटर यूज़ हो रहे हो, थोड़ा बेटर सूट हो रहा होता है, और कुछ बच्चों के लिए डिस्पोजेबल ज़्यादा सूट हो रहा होता है। तो आप देखिए आपके बच्चे को कौन सा सूट हो रहा है, आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि एक मॉम को ही पता होता है, एक मदर को ही पता होता है कि बच्चे के लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेटर है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।